नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। खबर दस्तक में आज कार्यक्रम बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी को लेकर है। मैं जो खबर बताने जा रहा हूं, ये खबर भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बुरी खबर है। जब से G20 का सम्मेलन दिल्ली में हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस सम्मेलन के रात्रि भोज में शामिल हुए हैं, तब से एक माहौल बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सारे दलों को इकट्ठा करने वाले पहले नेता हैं, वो इस गठबंधन की धुरी हैं। बावजूद इसके उनकी एक मुलाकात को ऐसे प्रचारित किया जा रहा है जैसे वो एनडीए में शामिल होंगे। लेकिन इसके की पीछे की वजह है, ये लोग क्यों नीतीश कुमार को प्रचारित करना चाह रहे हैं कि ये कभी भी इंडिया गठबंधन को धोखा दे सकते हैं, इसके पीछे का कारण है। और कारण ये है कि नीतीश कुमार बिहार में एक ऐसे नेता हैं जिनके बगैर बिहार के अंदर कोई भी दल बहुमत हासिल नहीं कर सकता। कम से कम पिछले 20 सालों में तो वह देखा ही गया है। इसी को लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह परेशान हैं, इसीलिए उनके मिलने की खबर को ऐसे प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन खबर वो नहीं है। खबर है कि एक तरफ नीतीश कुमार को मोदी से मिलने की खबर को इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में आने के तौर पे देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल 24/7 चुनावी मूड में आ गई है। उन्होंने चुनावी युद्ध घोष का ऐलान कर दिया है। एक तरफ लालू प्रसाद मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी पार्टी के बड़े बुजुर्ग पुराने नए नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में उन्होंने साफ कर दिया, स्पष्ट संकेत दे दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं और कई बड़े नेता अंदाजा लगा चुके हैं कि लोकसभा चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता एकदम अलर्ट रहें, किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन आ सकता है, वैसे में हमारे पास ज्यादा समय नहीं होगा, इसलिए तमाम कार्यकर्ता अलर्ट हो जाएं। उन्होंने इस बाबत दो ट्वीट किया और एक फेसबुक पोस्ट लिखकर कई सारे तस्वीरों को साझा किया। हम आपको जरा उन ट्वीट्स और फेसबुक पोस्ट के बारे में बताते हैं, उन तस्वीरों को दिखाते हैं। तेजस्वी यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा, आज पार्टी के माननीय मंत्रीगण, उत्तर बिहार के माननीय विधायक, विधान पार्षद, विधानसभा प्रत्याशियों, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष तथा प्रधान महासचिव की संगठनात्मक समीक्षा बैठक में पार्टी की विचारधारा के प्रचार प्रसार, लोकोन्मुखी नीतियों, सरकार की लोक हितैषी रोजगार परक योजनाओं, दल की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर बूथ कमेटी गठित करने एवं आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में गहन विमर्श हुआ। पार्टी का गौरव और रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता ही होते हैं। सभी माननीय मंत्रियों और विधायकों को कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने एवं मान सम्मान देते रहने का निर्देश दिया गया है। तेजस्वी यादव ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, पार्टी का गौरव और रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता ही होते हैं। सभी माननीय मंत्रियों और विधायकों को कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने एवं मान सम्मान देते रहने का निर्देश दिया गया। इसी के साथ तेजस्वी ने एक अन्य ट्वीट करके लिखा है, आज पार्टी के माननीय मंत्रीगण, उत्तर बिहार के माननीय विधायक, विधान पार्षद, विधानसभा प्रत्याशियों, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष तथा प्रधान महासचिव की संगठनात्मक समीक्षा बैठक में पार्टी की विचारधारा के प्रचार प्रसार, लोकोन्मुखी नीतियों, सरकार की लोक हितैषी रोजगार परक योजनाओं, दल की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कमेटी गठित करने एवं आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में गहन विचार विमर्श हुआ। इस तरह तेजस्वी यादव ने बिहार के दूर दराज से आए नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें चुनावी मंत्र देकर 2400 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक तरफ जब
इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कवायद हो रही है। सरकार हर हथकंडे अजमा रही है कि इंडिया गठबंधन को कमजोर रखा जाए। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार में अपने पार्टी को पूरी मजबूती के साथ एकजुट करने में जुटे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के साथ चुनाव प्रचार में लग जाने के लिए कहा है। अभी के लिए इस खबर में इतना है। इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।